हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों और हिंदूवादी संगठनों के प्रयास से ही इस साजिश का पर्दाफाश हो सका है। मुस्लिम युवक ने 2 साल तक अपनी पहचान छुपाई। युवती ने उसके संग घर बसाने तक का फैसला कर लिया था, लेकिन इस बीच पीड़िता को उसकी असलियत का पता चल गया। युवती के विरोध करने और नाराजगी जताने पर फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, जिससे सूचना इलाके में फैली तो हिंदूवादी संगठन अन्य कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय युवा भी एकजुट हो गए। देर रात तक गुस्साए लोग मुखानी थाने में डटे रहे, जिसके बाद पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म व पहचान छुपाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली। पुलिस के अनुसार बरहेनी बाजपुर निवासी फरमूद हसन नाम के युवक की 2 साल पहले एक हिंदू युवती से मुलाकात हुई। बातचीत में फरमूद ने अपना नाम अनमोल बताया। पिछले 4 महीने से दोनों मुखानी थाना क्षेत्र के एक मॉल में काम कर रहे थे। नज़दीकियां बढ़ने पर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। युवती ने सोचा कि युवक संग वो शादी भी कर लेगी, क्योंकि वो उसकी असलियत से अनजान थी। इस बीच उसे पता चल गया कि युवक हिंदू नहीं मुस्लिम है। साजिश के तहत उसने पहचान छुपाई थी, जिसके बाद उसने विरोध किया, मगर युवक फोटो वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकी देने लगा। इधर गुरुवार को स्थानीय लोग व हिंदूवादी संगठन मामले में सक्रिय हुए तो युवती को भी हिम्मत मिली। देर रात मुखानी थाने में आरोपित फरमूद हसन के विरुद्ध दुष्कर्म व पहचान छुपाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया। पीड़िता की तहरीर पर युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आधार कार्ड को लेकर शक जताया जा रहा है। गड़बड़ी मिलने पर धोखाधड़ी की धारा भी जोड़ी जाएगी। पहाड़ की यादें, कुमाऊनी किस्से, हमारी संस्कृति, अनेक वन संपदा, अनेक पक्षी और पुराने दिन, इन सबको दिखाता है ये यूट्यूब चैनल। आइए इस चैनल से जुड़ें, जिसका नाम है झूठे व्लॉग। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।